मोदी जी को लेकर खासतौर पर वो सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि तब शिवसैनिकों ने अगर बाबरी नहीं गिराई होती तो मंदिर नहीं बनता, और हम जब गठबंधन सरकार में थे, अटल जी के सरकार में थे, कुछ मोदी जी की सरकार में थे, लेकिन विशेष कानून नहीं बनाया। उन्होंने कहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। पहली बात तो मैं वापस कहना चाहता हूँ, इनका कोई नेता वहाँ नहीं था, इसलिए बाबरी ढांचा गिराने में इनके किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। जो होंगे वो हमारे साथ हैं, इनके साथ कोई नहीं है, एक भी नहीं, इसलिए इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार हलफनामा नहीं देती तो क्या होता? सवाल यह है कि इससे पहले भी तो यूपीए की सरकार थी जिनके साथ आप बैठे हुए हो आज, क्या हलफनामा दिया था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि राम तो काल्पनिक है, राम अस्तित्व में थे कि नहीं हमको पता नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई बर्थ सर्टिफिकेट राम का नहीं है। तो ऐसा कहने पर होता क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से निर्णय दे पाता? ये निर्णय क्यों आया? क्योंकि वहां की असलियत सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने रखी, एएसआई ने जो उत्खनन किया उसके साक्ष्य सामने रखे जिसमें बिल्कुल प्रूव होता है कि मंदिर को तोड़कर उसको बनाया गया है। इसके साथ साथ उस मंदिर का जो उल्लेख हमारे पुराणों में या पुरानी जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें जहाँ जहाँ मिला वो साक्ष्य के रूप में रखा गया, ये सारी चीज़ें अगर रखी नहीं जाती तो क्या ये फैसला आता? और इसलिए देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार थी, इसलिए सारी सच ये प्रमाण के साथ सामने आए। और निश्चित रूप से राम जन्मभूमि न्यास समिति, आंदोलन समिति या जो भी उसका नाम रहा होगा, जो पिटिशनर्स थे, इन्होंने जिस प्रकार से उसमें मेहनत की है उनके ऊपर भी आपने तंज कस दिया, उनको भी आपने गाली दे दी, किस प्रकार के आप लोग हैं? अरे जिन्होंने मेहनत करके ये निर्णय लाया, और सिर्फ निर्णय आना इतना ही नहीं है, निर्णय आने के बाद मंदिर भी किस तेजी से बनाया, किस ताकत से बनाया, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते। देखिए मोदी जी में और इनमें फर्क क्या है, ये भाषणों के हिंदू है, ये चुनावी हिंदू है, और मोदी जी भारतीय संस्कृति को जीते हैं। हमारा जो हिंदुत्व है संकुचित हिंदुत्व नहीं है, ये हमारा हिंदुत्व, ये भारतीय जीवन पद्धति है, और उस जीवन पद्धति को जीने वाला नेता अगर कोई होगा तो मोदी जी। और केवल यहां नहीं, उन्होंने G20 के माध्यम से भी वसुधैव कुटुंबकम, ये जो भारतीय विचार है, इसको दुनिया में प्रस्तापित करके दिखाया है। देवेंद्र जी, इंडिया अलायंस या इनके जो भी पार्टनर है शिवसेना से लेकर उद्धव जी की शिवसेना से लेकर सभी, वो अभी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को आपने कैंडिडेट बनाया, चुनावी फायदे के लिए जो है आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो, कह रहे कि हमारे ये भगवान राम जो है प्यार है, बीजेपी के लिए व्यापार है। मैं उनको वापस सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा प्यार है भैया आपका कि आप हलफनामा देते हो कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है? आप तो कहते हो राम सेतु है ही नहीं, राम सेतु तो कभी अस्तित्व में था ही नहीं, ये तो एक काल्पनिक इस प्रकार की कथा है, ये कौन सा प्यार है? ये देखिए, आपको प्यार ये केवल तुष्टीकरण से है, आपने जिंदगी में केवल तुष्टीकरण से प्रेम किया, आपको ये लगता था कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के भरोसे, माइनॉरिटी वोटों के भरोसे देश पर राज किया जा सकता है, और आपने हमेशा यही किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन 1937 में कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में वंदे मातरम का कत्ल कर दिया, उसको आधा कर दिया, उस दिन से इस देश में जो तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको कोई प्यार नहीं, इनको प्यार ये केवल वोटों से, वोट बैंक से, वोट बैंक की राजनीति से। ये इसलिए आप लोग कभी सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों की मैंने बयान सुने थे कि 1990 में जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, कोठारी बंधु वो भी उसमें मारे गए थे, ऐसे समाजवादी पार्टी के साथ अब उद्धव ठाकरे या जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो लोग बैठे हैं? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि स्वर्ग में
श्रद्धेय बाबा साहब जी की आत्मा भी बहुत प्रताड़ित होगी, बहुत नाराज होगी, क्योंकि जब मुलायम सिंह के बाजू वो, मुलायम सिंह जी तो अब नहीं रहे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनके जो विचार थे, उनकी जो पार्टी थी, उसके साथ जब गठबंधन में वो अपने बेटे को देखते हैं, या जो ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में स्थापित करने के लिए प्रयास करती है, उसके साथ में जब अपने बेटे को देखते होंगे, या फिर मुझे आज भी याद है कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कांग्रेस के साथ जाने की जगह मैं अपना शिवसेना का दुकान बंद करना पसंद करूंगा, उसके साथ जब अपने को बेटे को देखते हैं तो पता नहीं क्या उनको लगता होगा। वो नहीं बल्कि शरद पवार भी कह रहे थे, अभी दो दिन पहले उनका एक बयान आया, वो कह रहे कि बीजेपी जो है वो गाय गोमूत्र की बात करती है, आरएसएस के विचार जो है उस एजेंडे को लागू करना चाहती है, शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों को नहीं। देखिए, इन्होंने शाहू फुले अम्बेडकर के नाम पर लोगों को गुमराह करके केवल अपनी कुर्सियां बचाई, ये कभी शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चले, उनके विचारों पर हम चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत का संविधान जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है, ये संविधान हमारे लिए किसी भी ग्रंथ से बड़ा है, और इस संविधान के अनुरूप हम हमेशा कार्य करते हैं। अब जनता जाग गई है, इन्होंने कैसे मूर्ख बनाया जनता समझ चुकी है, अब जनता इनको चाहती नहीं है। अब जनता के ध्यान में आया कि जिस गरीब की बात, जिस दलित की बात, जिस आदिवासी की बात, जिस ओबीसी की बात शाहू फुले अम्बेडकर करते थे, उसका उत्थान तो मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए योजनाएं तो मोदी जी ला रहे हैं, उसके जीवन में परिवर्तन तो मोदी जी ला रहे हैं, तो जनता मोदी जी के साथ जा रही है। देखिए, ये आपने दो दिन पहले, मैं आपके निवास पे भी आया था, रामव्रत जो है गांव गांव जा रहा है, आपने भी एक रामव्रत को मुंबई में भेजा है, घर घर जा रहा है, वो आपने एक बयान दिया था कि, और आपने कहा कि जब वो बाबरी का ढांचा, कलंकित ढांचा गिरा, उस वक्त मैं वहाँ पर था और मुझे इसका अभिमान है, खुशी है। इस बात को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि आपने तो क्रिमिनल एक्ट कर दिया उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए। देखिए, ओवैसी क्या कहते हैं, इस पर क्यों तवज्जो देते हो? ओवैसी ने कौन सा संविधान की बात की है? जिस प्रकार की बातें ओवैसी करते हैं, कौन से संविधान में बैठती है? इसलिए ओवैसी जी को मैं कोई जवाब वगैरह नहीं देना चाहता, मैं अपने भाषण पर या मैंने जो बात कही उस पर मैं कायम हूँ, और अगर ओवैसी जी को चाहिए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर ले। नहीं, वो हमने उनके भाषण रोज सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने अयोध्या ले लिया, उसके बाद काशी मथुरा, सुंदरी मस्जिद, तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन लगातार हो रहा है और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को जो है एक तरह से असुरक्षित की भावना है उनकी में, और मुस्लिम युवकों को दिल में जो तकलीफ है वही तकलीफ भी उनके दिल में है बाबरी की, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाबरी की बात करते रहेंगे, 6 दिसंबर की बात करते रहेंगे। तकलीफ मुस्लिम युवाओं को इस बात की नहीं है, ये सारी तकलीफ राजनेताओं को है, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। अगर सच में मुस्लिम युवाओं को कोई तकलीफ है तो वो उनमें शिक्षा का पिछड़ापन, उनमें रोजगार का पिछड़ापन, उनमें अलग अलग प्रकार के जो पिछड़ेपन, आज जो गरीबी हमको देखने को मिलती है, इसकी तकलीफ है। इसके लिए आपने कुछ किया? उसके लिए भी तो जो करना है मोदी जी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने ये नहीं देखा कि उसकी जात क्या है। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना में उसकी चाबी लोगों को घर की देते हैं, तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाएं होती है जिनको हम चाबी देते, तो उनको घर दिया तो मोदी जी ने दिया, आपने तो नहीं दिया, क्योंकि आप उनको वोट बैंक की तरह देखते हो, और ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। ये आज गुमराह कर पा रहे, कल नहीं कर पाएंगे।